हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने फर्स्ट ईयर के लिए कौन कौन से किताब लिए। तो खासकर जो बच्चे नीट देते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, वो जानना चाहते रहते हैं कि फर्स्ट ईयर में कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और कौन नहीं पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले यार बात करें तो जनरल एनाटॉमी की, विश्राम सिंह पढ़िए, उसमें भी काफी इजिली सब कुछ लिखा हुआ है, आसानी से आपको सब कुछ समझ में आएगा। मगर यार, अगर आपको बहुत अच्छी तरह नॉलेज बाई पढ़ना है तो एके दत्ता इज द बेस्ट बुक, तो आप इसी को जरूर बाई करें। वैसे आप विश्राम सिंह भी कर सकते हैं, मगर बेस्ट बुक मैं आपको बोलूं तो एके दत्ता है। फिर बात करें कि एनाटॉमी की कौन कौन सी किताब लेनी चाहिए, तो एनाटॉमी की मैंने जो है, काफी लोग लेते हैं और बहुत सारी किताब, मगर मैंने जो है विश्राम सिंह बाई किया है। विश्राम सिंह एक इजी, मतलब कि काफी लैंग्वेज इजी होता है, बहुत अच्छी तरह लिखा होता है, तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। बाकी और बीडी चौरसिया भी लोग पढ़ते हैं, और भी एक दो किताबें हैं, मगर मुझे यही बेस्ट लगी। उसके बाद आगे बात करें तो एक तो रेफरेंस बुक रखना भी जरूरी है, जो कि फॉरेन राइटर्स की होती है, और एज अ आप रेफरेंस बुक उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने एनाटॉमी के लिए एक रेफरेंस बुक रख रखा है, एटलस। ये बहुत परफेक्ट बुक है, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर कोई डायग्राम देखना है तो इसमें डायग्राम बहुत ही अच्छी तरह देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया गया है, तो आप डायग्राम के लिए इसको रख सकते हैं और रेफरेंस बुक भी इसको रख सकते हैं। फिर आगे अगर बात करें तो आगे फिजियोलॉजी की, फिजियोलॉजी में है जो देवाशीष प्रामाणिक मैंने बुक लिया, ये काफी अच्छा बुक है। मैंने, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन मैंने बिना बुक के पढ़ाई की है, दोस्तों से लेकर, सीनियर से लेकर, और उसके बाद जो मुझे सबसे परफेक्ट लगा मैंने उसको बाय किया है। तो देवाशीष प्रमाणिक आप बाय कर सकते हैं, और अगर आपको रेफरेंस के लिए कोई किताब चाहिए तो रेफरेंस के लिए आप गाइटन एंड हॉल ले सकते हैं, ये एक रेफरेंस बुक है। अगर आपको किसी को भी बताना है, कोई अगर टीचर आपसे पूछे कि ये तुमने कहां से पढ़ा, ये कहां से, तो अगर आप रेफरेंस गाइटन एंड हॉल का देते हैं तो वो एकदम गलत नहीं होगा, और किसी किताब का ले तो उसको लोग मानते नहीं रहते हैं, इसीलिए आप ये बाय कर सकते हैं। फिर बात करें आगे बायोकेमिस्ट्री की, तो देखो यार, बहुत लोग वासुदेवन लेते हैं, बहुत लोग सत्यनारायण लेते हैं, तो मुझे पर्सनली वासुदेवन ज्यादा अच्छा लगा, मैंने उसको पढ़ा। सत्यनारायण थोड़ा सा पुराना बुक है, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली जो है अपडेट नहीं किया जा रहा है। और फिर लास्टली बात करें तो कुछ लोग एम्ब्रियोलॉजी खरीदते हैं और कुछ लोग नहीं खरीदते हैं, मगर मैंने सॉन्टेक का लिया है एम्ब्रियोलॉजी, ये काफी अच्छा बुक है, मैंने इसको पढ़ के देखा, हम लोग का पढ़ाई हुआ है, तो इसे मैंने ऑर्डर किया। और अगर रेफरेंस की बात करें तो लैंगमैन भी एक अच्छी किताब है, अगर आप चाहें तो इसको भी मेन बुक की तरह यूज कर सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें एक्स्ट्रा, आपके पास काफी टाइम है, तो ये सब फॉरेन ऑथर की किताब है, तो आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। तो ये था वीडियो मेरे बुक के सारे डिटेल पे, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत।